नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, नामची चक्रवर्ती बॉलीवुड की एक नई उम्मीद। नई उम्मीद इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पिता मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। डांस में तो उनका कभी जवाब ही नहीं था, बहुत ही जबरदस्त डांसर वो रहे, लेकिन एक्टिंग में भी उनका कोई शानी नहीं है। अपनी पहली फिल्म मृग्या से उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था एक्टिंग का, और उसके बाद उन्होंने कई बड़ी जबरदस्त फिल्में दी है। और उन्हें गरीबों का अमिताभ कहा जाता है, क्योंकि जितने अच्छे वो एक्शन सिक्वेंसेज करते हैं उतने अच्छे डांस में नजर आते हैं, कॉमेडी में उनका कोई जवाब नहीं रहता है। अभी हाल ही में रिलीज द कश्मीर फाइल्स में भी उनकी लाजवाब अदाकारी देखने को मिली थी। तो दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं नामची चक्रवर्ती, तो उम्मीदें बनती है और उम्मीदें बनती है, क्रेज बनता है, और वो क्रेज जब तक और ज्यादा हो जाता है जब वे राजकुमार संतोषी जैसे बड़े दिग्गज डायरेक्टर की फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हो। और ये उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है जब फिल्म के जो गाने रिलीज किए जाते हैं हिमेश रेशमिया का म्यूजिक है और गाने सारे हिट हो जाते हैं। अभी हाल ही में रिलीज हुआ जनाबे अली काफी बड़ा हिट हो चुका है। तो नामची चक्रवर्ती को लोगों ने देखा है स्क्रीन पे अभी, तो मतलब कि यूट्यूब वगैरह पे जो भी है वीडियो वगैरह जो उनके जो गाने वगैरह जारी हुई है, तो वहां पर उनकी झलक बिल्कुल अपने पिता की तरह लगती है। और एक्टिंग में भी अपने पिता की छाप नजर आती है, यहाँ तक कि डांस में भी अपने पिता की तरह ही लग रहे हैं बिल्कुल। अभी जनाबे आली में मिथुन दा के साथ डांस करते हुए नजर आए, मिथुन दा भी एक कैमियो है छोटा सा उनका, तो काफी जबरदस्त ये पिता पुत्र की जोड़ी यहाँ पे लग रही है। देखते हैं भविष्य में इन दोनों को किसी बड़ी फिल्म में एक साथ काम करते हुए भी हम लोग देखेंगे शायद। लेकिन अभी फिलहाल नामची चक्रवर्ती का क्रेज काफी ज्यादा है और कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का एक और सुपरस्टार, एक नया सुपरस्टार बॉलीवुड में एंट्री करने वाला है। बात कर रहा था मैं ट्रेलर के बारे में, एक्चुअली मैं बताना चाहता था आपको, तो मैंने अभी कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रेलर 10 तारीख के बाद में आएगा, मतलब अगले हफ्ते आएगा। तो अभी जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार 13 तारीख को, 13 अप्रैल को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेरे पास तो ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मैंने ट्विटर वगैरह चेक किया था नामची चक्रवर्ती का और राजकुमार संतोषी का भी, तो वहाँ पे मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन जो विश्वस्त सूत्र है और जो एक दो जगह ये कहा गया है कि इसका ट्रेलर 13 तारीख को आ सकता है, अब 11 को कन्फर्म होता है या 12 को आता है, क्योंकि 28 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, तो करीब आजकल 15 दिन पहले तो ट्रेलर रिलीज कर देते हैं करीब करीब। अभी किसी का भाई किसी की जान, 21 तारीख को रिलीज हो रही है तो उसका ट्रेलर 10 तारीख को आ रहा है तो वो तो केवल 10 दिन पहले कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बैड बॉय का ट्रेलर करीब करीब 13 तारीख को, अगर ये खबरें आ रही है तो सच्ची ही होगी, 13 तारीख को ये ट्रेलर आ सकता है। 13 को नहीं आएगा तो फिर 15 तारीख तक तो ये डेफिनेटली ट्रेलर आ ही जाएगा। तो मैं भी ट्रेलर का आपके जितनी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही ट्रेलर आएगा तो मैं रिव्यू जरूर करूंगा अपने चैनल पे। और आप जानते हैं कि मैंने भी नामची चक्रवर्ती से काफी उम्मीदें लगा रखी है कि वो उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो एक अच्छे स्टार साबित हो, अच्छी फिल्म साबित हो बैड बॉय। खैर दोस्तों, फिलहाल इतना ही। जो भी नए अपडेट्स बैड बॉय से रिलेटेड आते रहेंगे वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।